जब भी हम हमारे जीवन से परेशान होते हैं तो हम एक ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां जाकर हमें शांति प्राप्त हो, हमारा तनाव दूर हो जाए। ऐसी कई जगह हमें मिल भी जाती है, लेकिन इन जगहों से हम जब वापस अपनी जगह आते हैं तो फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं और वही परेशानियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में क्या कोई ऐसी जगह है जहां मिला आनंद और शांति सदा के लिए हो, एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद भौतिक जगह की बड़ी से बड़ी चिंता भी दूर हो जाए, एक ऐसी जगह जो हो दुनिया की सबसे शांत जगह। आपके इसी सवाल का जवाब यह एक कहानी देती है जो कि ओशो द्वारा अपने एक प्रवचन में सुनाई गई थी। यह कहानी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के बारे में बताती है जो पूरा माना जाता था विपासना ध्यान सीखने के लिए। बौद्धों के ध्यान का बर्मा के रंगून में सबसे बड़ा विपासना स्कूल है, तो उसने 3 सप्ताह की छुट्टी ले ली। वह अमेरिकन बड़ी तैयारियां करके रंगून पहुंचा। यात्रा शुरू करने से पहले ही उसके मन में कई कल्पनाओं ने घर बना लिया था और ये कल्पनाएं आश्रम आते आते बहुत बड़ी हो गई थी। उसे लगने लगा मानो कि जहां वो जा रहा है वो जगह दुनिया की सबसे शांत जगह होगी, इसलिए ऐसी जगह इतना बड़ा विपासना आश्रम खोला गया होगा। उसकी कल्पना में आश्रम एक पहाड़ की तलहटी और घने वृक्षों की छाया में स्थित था, जहां पास में झरने बह रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे। वह सोच रहा था ये 3 सप्ताह आनंद से गुजारूंगा, आखिरकार कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन न्यूयॉर्क के पागलपन से पीछा छूटा। लेकिन जब उसकी टैक्सी जाकर आश्रम के सामने रुकी तो उसने सिर पीट लिया। वह रंगून के बीच बाजार में थी, मछली बाजार में, बदबू ही बदबू और उपद्रव ही उपद्रव, सब तरफ शोरगुल, कहीं मक्खियां भिनभिना रही हैं, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, आदमी सौदा कर रहे हैं, स्त्रियां भागी जा रही हैं और बच्चे चीख रहे हैं। उसने कहा, यह आश्रम की जगह है। उसका मन तो हुआ इसी वक्त सीधा वापस लौट जाए, लेकिन 3 दिन तक कोई लौटने के लिए हवाई जहाज भी ना था, तो उसने सोचा अब आ ही गया हूं तो कम से कम इन सदगुरु के दर्शन तो कर ही लूं। ना जाने किस सदगुरु ने यहाँ आश्रम खोल रखा है, यह कोई जगह है आश्रम खोलने की। अंदर गया तो बड़ा हैरान हुआ। सांझ का वक्त था और कोई 200 कौवे आश्रम पर लौट रहे थे, क्योंकि सांझ को बौद्ध भिक्षु भोजन करके उनको कुछ फेंक देते होंगे, गेहूं चावल इत्यादि। कौवों की काव काव ने हर तरफ चीख चित्कार मचा रखा है। वह बोला, छी कैसी जगह है और यही भिक्षु ध्यान करते हैं। वही उसने देखा, कोई भिक्षु टहल रहा है जैसा बौद्ध टहल कर ध्यान करते हैं, कोई भिक्षु कोई वृक्ष के नीचे शांत बैठा ध्यान कर रहा है। युवक खड़ा होकर एक क्षण देखता रहा, बात कुछ समझ न आई, बड़ी विरोधाभासी लगी, लेकिन भिक्षुओं के चेहरे पर बड़ी शांति भी थी, जैसे यह सब कुछ हो ही ना रहा हो, या जैसे यह कहीं और है, किसी और लोक में, जहां यह सब खबरें नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती हैं तो कोई विक्षेप नहीं है। इन भिक्षुओं के चेहरों को देखकर उसने सोचा, 3 दिन तो रुक ही जाऊं। वह गुरु के पास गया और गुरु से पूछा, यह क्या मामला है, यह कहां जगह चुनी आपने। तो गुरु ने कहा, रुको 3 सप्ताह बाद अगर तुम फिर यही प्रश्न पूछोगे तो उत्तर दूंगा। पहले तो 3 दिन के लिए रुका, लेकिन 3 दिन में लगा कि बात में कुछ तो दम है। 1 सप्ताह रुका तो धीरे धीरे पता चला यह बात कुछ अर्थ नहीं रखती कि बाजार में शोरगुल हो रहा है, ट्रक जा रहे हैं, कारें दौड़ रही हैं, कौवे काव काव कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं या मक्खियां भिनभिना रही हैं, ये सब बातें कुछ अर्थ नहीं रखती। तुम कहीं दूर लोक में जाने लगे, तुम कहीं भीतर उतरने लगे, कोई चीज रुकावट नहीं बनती। 2 सप्ताह होते होते तो उसे याद ही नहीं रहा। 3 सप्ताह तो उसे ऐसे लगा कि अगर ये कौवे यहाँ ना होते, ये कुत्ते यहाँ ना होते, यह बाजार ना होता तो शायद ध्यान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके कारण एक पृष्ठभूमि बन गई। तब उसने गुरु को कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने जो शिकायत की थी वह ठीक न थी, वह मेरी जल्दबाजी थी। गुरु ने जवाब दिया, बहुत सोचकर ही यह आश्रम यहाँ बनाया है, सब जानकर ही यहाँ बनाया है, अगर शांत जगह आश्रम होता कुछ ऐसा होता ही नहीं,
जिससे मन भटकता हो, तो तुम कैसे जान पाते कि तुम ध्यान के सही रास्ते पर हो। योग बाहरी अस्थिरता, अशांति और तनाव के बाद भी स्वयं को आंतरिक रूप से आनंदमय और शांत बनाने के लिए है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। विपासना का प्रयोग ही यही है। जहां बाधा पड़ रही हो, वहां बाधा के प्रति प्रतिक्रिया न हो। प्रतिक्रिया शून्य हो जाए तो चित्त शांत हो ही जाता है, जिसके बाद मिलती है दुनिया की सबसे शांत जगह, जो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है।